है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 26 जुलाई का दिन बहुत ही खास है। आज का दिन जो है वो कारगिल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन हमारे देश के सैनिकों ने कारगिल की पहाड़ियों में घुस के पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था और अपनी विजय पताका लहराई थी। हम जानेंगे आज आम जनता से, जनता जनार्दन से, कि किस तरह वो आज के दिन को मनाती है और कितना कुछ आज के दिन के बारे में जानती है। ये एक बहुत अच्छा मौका है और फौज का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जिन शहीदों को हम भूल गए हैं या जिन शहीदों को मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, वही थोड़े बहुत शहीद याद रहते हैं। यहाँ पर एक एक शहीद का नाम पढ़ करके याद आया कि अरे इतने सारे शहीद हैं। तो कभी ऐसा मौका नहीं हुआ होगा जब हमने उनको याद नहीं किया होगा। हर पल जब भी कोई हम लोग का कुछ भी मौका होता है कि फ़ौज में कोई भी एक्टिविटी होती है तो हम हमेशा उनको याद रखते हैं। वो हमारे जहन में, दिलो दिमाग में हमेशा रहते हैं। शहीदों को हम लोग बराबर याद करते हैं, इनफैक्ट भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि हम इसके अंग हैं। आज के दिन कारगिल युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे। 1999 में हुआ था ये। तो कैसे मनाया जा रहा है यहाँ पे कारगिल का दिन? हम सबको बुलाया गया है यहाँ पे, हम उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ऐसे ही बनाया गया। बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि आज मैं इंडियन आर्मी का एक हिस्सा हूँ और इंडियन आर्मी का हिस्सा होते हुए मैं कारगिल विजय दिवस के रिटलिंग सेरेमनी में उसका भी एक हिस्सा हूँ। मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है उसके शहीदों के लिए। और जो ये कारगिल वॉर मेमोरियल बना हुआ है, ये सेंट्रल कमांड के अंदर है। इसमें जितने भी 1948 से जितने भी शहीद हैं उनके नाम इंग्रेव्ड हैं चारों तरफ, एंड इट इज़ अ टेम्पल टू अस। ये हमारे लिए क्या है, एक मंदिर की तरह है। यहाँ आज हमने बात की कारगिल के जवानों को लेकर आम जनता से, बच्चों से, कि कितना जानते हैं वो आज के दिन के बारे में। और सबसे खास बात तो ये है कि आज के दिन के बारे में हर कोई बच्चा जानता है, हर कोई टीचर जानता है, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। एक बार आपको फिर से बता दें कि 1999 के दिन जब कारगिल का युद्ध हुआ था जिसमें हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तानियों को घुस के जवाब दिया था और अपनी विजय पताका लहराई थी, और उसमें हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए थे जिसमें कैप्टन मनोज पांडे का नाम भी आता है। खैर, आज के दिन को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, उसके लिए कोई एक दिन नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जय हिंद। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।